तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। एंड आज के वीडियो में लेके आप लोग के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर जावा एडिशन का ऐसा यूआई जो कि तुमको देखने में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी। एंड तुम लोगों ने अगर वो सारी चेकआउट नहीं की तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी जिसमें भी तुमको यही एक सेम टाइप की चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि तुमको अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर बिल्कुल जावा एडिशन की फीलिंग देने वाला है। तो अगर तुम लोग रिसोर्स पैक में जाओगे एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा एक जावा एडन, मैंने कुछ सेटर एक्टिवेट किया हुआ है। बाकी जावा एडन को एक्टिवेट करने के बाद मैं जैसे ही आप बैक करता हूँ यहाँ पे तुम लोग देखो लोडिंग होगी तुम्हारी रिसोर्स पैक एंड तुम्हारा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन बिल्कुल जावा एडिशन के इंटरफेस में यूआई में चला जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो अभी तुमको इसमें सिर्फ एक यूआई देखने को मिलेगा। ठीक है, इस यूआई के अंदर अगर तुम लोग यहाँ पे जाते हो प्ले गेम पे एंड यहाँ पे तुम लोग काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जहाँ से तुम लोग क्लिक कर सकते हो वर्ल्ड वगैरह क्रिएट। बाकी ऑप्शन तुम लोग देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे तुम लोग देखने को मिल जाएगा एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज करने का ऑप्शन, वहाँ से तुम लोग पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो काफ़ी आसानी तरीके से। एंड यहाँ पे तुमको वर्ल्ड जनरेशन बिल्कुल जावा एडिशन की तरह देखने वाली मिलने वाली है बिल्कुल। एंड अगर तुम यहाँ पे अगर हम लोग वर्ल्ड स्पॉन हो जाते हैं तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलने वाले काफ़ी सारे जावा एडिशन के फीचर्स, लाइक तुमको मैं बताने वाला कौन कौन से फीचर्स में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अपना जावा एडिशन का तुमको यूआई देखने को मिलेगा एंड इसका इंटरफेस भी अंदर पूरी तरह से देखने को मिलेगा जावा एडिशन की तरह। एंड देख सकते हो थोड़ा सा अलग है जावा एडिशन से, बट इसके नीचे जावा एडिशन के नीचे भी होते हैं थोड़े से इसके भी ऊपर दिए हुए हैं। एंड इसमें तुमको देखने को मिलेंगे जावा एडिशन टाइप के बेड्स जो कि तुम देख सकते हो। पॉकेट एडिशन में कुछ अलग टाइप के इन्वेंटरी बेड्स रखाते हैं, इसमें थोड़े अलग टाइप के बेड्स रखे हुए हैं। बाकी तुमको इसमें नॉलेज बुक देखने को मिल जाती है एंड और तो और तुम लोग देखने को मिल जाती है इसमें एक नई तरह की टॉर्च जिसको तुम लोग ऑफ हैंड में पकड़ सकते हो, प्लस उससे डायनेमिक लाइटिंग भी निकली थी। यस, तो इसमें काफ़ी सारे टॉर्चेस है जिसके अंदर से डायनेमिक लाइटिंग डाली हुई है एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी है जिसके अंदर डायनेमिक लाइटिंग है एंड और भी चीज़ें हैं जो कि तुम लोग ऑफ हैंड में पकड़ सकते हो। तो देख सकते हो हम लोग टॉर्च को ऑफ हैंड में पकड़ सकते हैं, इसमें तुम लोग डायनेमिक लाइटिंग भी देखने मिल जाएगी। अभी पता नहीं चल रहा होगा बट तुमको मैं अंधेरा करके दिखा दूंगा यार, ठीक है, रात करने पे पता चल जाएगा डायनेमिक लाइटिंग है या फिर नहीं है। देन उसके बाद आते हैं अपनी शॉर्ट्स। ओके, तो शॉर्ट्स में क्या होता है जावा एडिशन की स्विप अटैक क्लास, उसमें स्विप अटैक देखने को मिल जाता है जिसमें तुम लोग अगर किसी मोब को टारगेट नहीं भी लेते हो तो भी उसको स्विप लग जाता है। बिकॉज अगर तुम्हारे मोब काफी सारा हमला कर दिया तो तुमको उसको स्विप देखने को मिल जाता है। देखो मैंने यहाँ पे कॉक को मारा है, देखो तो स्विप अटैक काम कर रहा है अपना एंड ये सभी अटैक सभी शॉर्ट्स में आराम से वर्क कर जाता है तुम्हारा। एंड तुम लोग देख सकते हैं इसमें तुमको दिखा देता हूँ एक और इसमें नई चीज ऐड है जो कि हर्ट्स। यस, तुमको पता होगा जावा एडिशन में तुम अगर किसी मोब को किल करते हो तो उसके अंदर हर्ट निकलते हैं कुछ इस टाइप से। देख सकते हो हर्ट्स यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं एंड कुछ इस टाइप से तुमको अचीवमेंट्स भी देखने को मिलने वाली है जावा एडिशन की तरह। देख सकते हो कुछ जावा एडिशन के बिल्कुल उस पर से जिस टाइप का इंटरफेस आता है उस टाइप से जावा एडिशन के अचीवमेंट्स भी तुमको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। एंड और तो और तुम लोग इसमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसमें कर देते हैं रात एंड रात में करती हूँ तुमको दिखा देता हूँ यहाँ पे डायनेमिक लाइटिंग एंड यहाँ पे सबसे पहले और नाइट करना है। एंड बाकी तुम लोग इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स जो कि जावा एडिशन के अंदर है, जैसे तुम लोग एक बार क्लिक में तुम लोग आराम से चेंज कर पाओगे अपना पर्सपेक्टिव को भी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नाइट यार जल्दी से एंड तुम लोग बाकी सारे चेकआउट कर लेना कौन कौन सी चीज़ें और भी है। बाकी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होने वाली है बिकॉज यार कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा आजकल पॉकेट एडिशन के लिए आ नहीं रहा है भाई। तुम लोग कमेंट में बताओ क्या देखना है तुम लोगों। बाकी यहाँ पे तुम लोग देख लो डायनेमिक लाइटिंग अब तो बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है गाइस। बाकी और भी चीज़ें होंगी इसके ऊपर तो देख लेना अंदर इसके एड ऑन को लगा करके। बाकी गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तुम लोग वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके बजा देना इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, अभी तक तुमने इंस्टाग्राम मॉडल स्क्वाड को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।